लाइफ इज़ अ मोमेंट, आज उसकी कम्प्लीशन की पार्टी रखी हुई है हमने, और साथ में इन दोनों की जो है बर्थडे भी सेलिब्रेट हुई है, तो दोनों इवेंट जो हैं बड़े मतलब अच्छे हैं। और बाकी अपने अपने बारे में ये बताएंगे आप लोगों को क्या। चलिए पहले तो हैप्पी बर्थडे आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। ये जो इस सीक्वल का नाम है डोंट नो वाई टू लाइफ इज़ अ मोमेंट, ये सीक्वल है डोंट नो वाई ना जाने क्यों की, जो काफ़ी इंटरनेशनली एक्लेम हुई, जिसको 10 इंटरनेशनल अवार्ड मिले थे। तो अब ये जो पार्ट टू बन रहा है, इंडियन और नॉर्वेजियन कोलैबोरेशन है पहला, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का बन रहा है। पूरी नॉर्वे में ये फिल्म बनी है और इसकी अभी कंप्लीट हुई है, तो बस ये पार्टी के लिए खुशी में ये पार्टी। What do you say about IVF and celebrating? I'm really happy, like I'm celebrating my film with my crew, my director and everyone. And we have actually two crews, like one is from India, one is from Norway, like but somehow I'm really happy. It's like my film completed and it's my birthday, it's Kapil's birthday, and we got many awards for last film, and I'm hoping many, many awards for next film. Thank you so much. How was the response from the public and all? इंडिया में तो आपको मालूम है इट वॉज, लेकिन दिस टाइम आई एम श्योर वी विल गेट फैंटास्टिक रिस्पॉन्स, बिकॉज इंटरनेशनली वी गॉट 11 अवार्ड्स फॉर डोंट नो व्हाई ना जाने क्यों। इनफैक्ट वी गॉट वन बेस्ट एक्टर अवार्ड इन ग्रीस, एंड लास्ट मंथ ओनली वी गॉट बेस्ट फिल्म अवार्ड इन पोलैंड, एंड नाउ द सेम थिंग वी आर होपिंग फॉर पार्ट टू। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि जिस तरह का फिल्म का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे काम करना, उस पे एक्टिंग करना कोई मजाक नहीं है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद फिर पार्ट टू हमने बनाई है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। किस तरह का एंजॉय होने वाला आज की शाम? आज की शाम बड़ी मज़ेदार शाम है, अब बस शुरू होगी। आज आप यहाँ पर मौजूद भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनके फिल्म का सीक्वल का अनाउंसमेंट भी है जी। यस, तो हाँ, ये सीक्वल है डोंट नो व्हाई टू, सो ये सेकंड पार्ट है, और मैं बहुत ही, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और क्योंकि कंप्लीशन में ये सेलिब्रेशन हो रहा है, और इट्स ए वेरी वंडरफुल मोमेंट, क्योंकि हर प्रोड्यूसर ऐसा सोचते हैं कि जल्दी कंप्लीट करें और जल्दी रिलीज करें, सक्सेसफुली करें, एंड